गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी नीरा मैम। हम आज नागरिक शास्त्र में पार्ट 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, अर्थात वह आवरण जो वनस्पति एवं जीव जंतु को ऊपर से ढके हुए है, या हम कह सकते हैं कि वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो पर्यावरण का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन की। प्राकृतिक संसाधन वे साधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, अर्थात जो प्रकृति ने हमको दिए हैं, हमने नहीं बनाए हैं, और इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के कारण हमारा जीवन पृथ्वी पर संभव हुआ है, या हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं नदी, पेड़ पौधे, पहाड़, वायु, खनिज लवण आदि। तो आपको चैप्टर में जो दो वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, दोनों का अर्थ मैंने बता दिया है। अब हम बात करेंगे बच्चों वैश्विक राजनीति में पर्यावरण एक गंभीर समस्या। क्यों है गंभीर समस्या, इस विषय पर हम बात करेंगे। और यहाँ पे शब्द आया वैश्विक राजनीति, यानी पूरी दुनिया की राजनीति या पूरे देशों के लिए ये पर्यावरण एक गंभीर समस्या क्यों बन गई है। इसके निम्न कारण हैं, प्रथम कृषि भूमि की कमी, यानी जिस भूमि पर हम खेती कर सकते हैं उसमें निरंतर कमी होती जा रही है। चारागाह एवं मत्स्य भंडार का अपक्षय, अपक्षय से मतलब होता है बच्चों नाश, यानी ऐसे मैदान जहाँ पर जानवर चर सकते हैं या मत्स्य भंडार हम लोग कर सकते हैं वो निरंतर खत्म होते जा रहे हैं। उसके कई कारण हैं जो मैं अन्य चैप्टर में आपको बताऊंगी। तीसरा, जलीय प्रदूषण एवं जल की कमी। जल की कमी निरंतर होती जा रही है जिसके कारण है जल में प्रदूषण बढ़ रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई, हम अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। समाप्त होती जैव विविधता, यहाँ पर शब्द आया बच्चों जैव विविधता। जैव विविधता से मतलब है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सबका जीने का तरीका अलग है और सब देखने में भी अलग है। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो निरंतर कम होते जा रहे हैं। ओजोन परत की हानि, ओजोन परत बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि वायुमंडल में एक परत है ओजोन परत जिसको कहते हैं, और ये ओजोन परत जो सूरज से हानिकारक गैसें या अन्य ग्रह से जो हानिकारक गैस होती है उससे हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन इसमें एक छेद हो चुका है, आपको पहले टेंथ में पढ़ा भी होगा। तो ओजोन परत में जो हानि हो रही है, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है, वो भी एक चिंता का कारण है। समुद्र तटीय इलाकों में बढ़ता प्रदूषण, यानी जो हमारे समुद्र के तट है उनमें निरंतर प्रदूषण बढ़ रहा है, ये भी एक चिंता का कारण है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आता है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण एक गंभीर समस्या क्यों है, तो आप ये 7 पॉइंट बता सकते हैं कि इन 7 पॉइंट की वजह से, 7 कारणों की वजह से पर्यावरण एक चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि पर्यावरण से केवल एक व्यक्ति, एक देश प्रभावित नहीं होता, पर्यावरण से सभी देश प्रभावित होते हैं, इसलिए वैश्विक राजनीति का की चिंता का कारण है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये भूगोल का विषय आपको लग रहा होगा, लेकिन ये राजनीति का विषय भी
क्यों है। अब मैं बात करूंगी बच्चों साझी संपदा, यानी साझी, जैसे आपने शब्द एक इसमें शब्द आ गया है साझी, साझी से आप अपने आप इसके शब्द से इस मीनिंग समझ में आ रहा है, साझी यानी जो सबकी संपदा, संपत्ति यानी जो सबकी संपत्ति हो उसको हम साझी संपदा कहेंगे। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे चारागाह, कुआं, नदी, पृथ्वी का जल, पृथ्वी का वायुमंडल, पेड़ पौधे आदि शामिल है, जिसका अर्थ है कि इनके उपयोग और संरक्षण के संदर्भ में समुदाय के समान अधिकार एवं उत्तरदायित्व होंगे। यानी जब इसको हम संयुक्त रूप से सभी लोग इसको प्रयोग में करेंगे तो इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी सभी की होगी बच्चों। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन इसकी रक्षा की जिम्मेदारी सब लोग नहीं निभा रहे हैं। तो आपको साझी संपदा का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं साझी संपदा की भिन्न भिन्न जिम्मेदारी, यानी किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। साझी संपदा की सुरक्षा को लेकर भी विकसित एवं विकासशील देशों के मत भिन्न भिन्न हैं। अब यहाँ बच्चों दो वर्ड आए हैं, एक विकसित देश और एक विकासशील। विकसित देश वो होते हैं जो पूर्ण रूप से विकास कर चुके हैं, यानी जिनके पास सभी साधन हैं। विकासशील वे देश जो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जो तरक्की कर रहे हैं। तो इसमें दोनों का मत अलग अलग है। मत मीन्स विचार, दोनों देश, दोनों तरह के देशों के अलग अलग विचार है। विकसित देश इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों में बराबर बांटने के पक्ष में है, यानी जो विकसित देश है वो कहते हैं कि सभी देशों की बराबर जिम्मेदारी है, जबकि विकासशील देश इससे सहमत नहीं है। उनका क्यों सहमत नहीं है, उनका कहना है कि साझी संपदा को प्रदूषित करने में विकसित देशों की भूमिका अधिक है। यानी जो साझी संपदा है उसको प्रदूषित किसने ज़्यादा किया है, विकसित देशों ने। विकासशील देश अभी विकास की प्रक्रिया में है, और विकासशील ये भी कहते हैं कि अभी हम तो विकास की प्रक्रिया में, आपका विकास हो चुका है, आप सक्षम हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कह सकते हैं कि विकास जो शील देश है अभी इनका उतना उपयोग प्राकृतिक संपदा का या साझी संपदा का नहीं किया जितना विकसित देशों ने किया है। तो बच्चों आपको हमने बताया कि पर्यावरण किसे कहते हैं, प्राकृतिक संपदा क्या है और साझी संपदा क्या है, और इसमें कैसे कैसे जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों कि पर्यावरण जब इतना महत्वपूर्ण है, क्या इसकी सुरक्षा के कोई उपाय भी या प्रयास भी किए गए हैं। हाँ बच्चों, इसके लिए सभी ने मिलकर बहुत प्रयास किए हैं। तो पर्यावरण की सुरक्षा के वैश्विक प्रयास, यानी पूरे विश्व ने क्या क्या प्रयास किए हैं, इस पर अब हम अगले उसमें चर्चा करते हैं। बच्चों आपको अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक क्या क्या प्रयास हुए हैं। सर्वप्रथम 1972 में क्लब आवरोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक प्रकाशित की गई थी, और इस पुस्तक में क्या कहा गया था, इसमें बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशों को बताया गया था। यानी जो जनसंख्या है इसके क्या क्या खतरे हैं और इससे प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या विनाश, यानी क्या क्या कमी आएगी, इसके विषय में इस पुस्तक में बताया गया था। दूसरा, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, मानव पर्यावरण सम्मेलन कराया गया। बच्चों क्वेश्चन आ सकता है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर हुआ था और किस ईयर में हुआ था, तो आप इसको बता सकते हैं कि 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर 1970
यूएनईपी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम। ये 1970 का दशक था। दशक होता है बच्चों 10 साल जिसमें होते हैं उसको दशक बोलते हैं। इसमें क्या किया गया था, पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और ज़्यादा सुलझी हुई पहल कदमियों की शुरुआत, यानी इसमें जो ज़्यादा अच्छी नीतियाँ और सुलझी हुई यानी जटिल ऐसी नहीं कि जिस पे काम करना कठिन हो, ऐसी हमने योजनाओं की शुरुआत की। फिर आता है 1987 मॉन्ट्रियल समझौता। यह ओजोन क्षय को रोकने के लिए किया गया। मैंने ओजोन परत के विषय में आपको बता दिया था पहले ही। और ओजोन क्षय यानी ओजोन परत में जो नुकसान हो रहा है उसके लिए प्रयास इसमें किया गया था। ये क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि ओजोन क्षय को रोकने के लिए कब सम्मेलन हुआ था और क्या समझौता था। तो इस समझौते को किस नाम से पुकारते हैं, तो आप बता सकते हैं इस समझौते को मॉन्ट्रियल समझौते के नाम से पुकारा जाता है जो 1987 में हुआ था। बच्चों अब हम आते हैं वर्टलैंड रिपोर्ट जो 1987 में हुई थी। इसमें चेताया गया था कि चेताया का अर्थ होता है चेतावनी। इसमें चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। यानी जो हमारे विकास के तरीके हैं, हम जिन तरीकों से विकास कर रहे हैं वो आगे चलकर टिकाऊ नहीं होंगे, इससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होगा, तो इसमें सुझाव दिया गया था। 1992 में बच्चों ब्राज़ील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्यों क्वेश्चन आता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और इस जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसमें 170 देशों हजारों स्वयंसेवी संगठनों यानी जो अपनी इच्छा से काम करते हैं तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। दूसरे पर्यावरण सुरक्षा को लेकर विकसित तथा विकासशील देशों के बीच अंतर था। इसमें जो विकासशील और विकसित देश है उनकी सुरक्षा के बीच अंतर था। एजेंडा 21 में विकास के तौर पर इसमें एजेंडा 21 भी आया था। और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है बच्चों क्वेश्चन कि एजेंडा 21 क्या है। इसमें कहा गया कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा हो जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे, इसे ही टिकाऊ विकास भी कहा गया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि एजेंडा 21 में क्या किया गया था और एजेंडा 21 क्या है, तो आप बता सकते हैं आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा हो जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, इसे ही टिकाऊ विकास भी कहा गया। अब बात करते हैं बच्चों हम 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन हुआ और जिसको क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। और इसमें औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। जो ग्रीन गैस होती है बच्चों ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती है। और इसमें कहा औद्योगिक देश यानी ऐसे देश जहाँ पर उद्योग धंधे कल कारखाने ज़्यादा हैं, तो वो उत्सर्जन यानी निकालने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि इससे ज़्यादा अगर ये निकालेंगे तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये किस में निर्धारित किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल में। अब हम बात करते हैं बच्चों 2002 जोहान्सबर्ग दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। यानी पहला जो पृथ्वी सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था, 1992 में ब्राज़ील में। और 2002 में जोहान्सबर्ग में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ये सभी क्वेश्चन बच्चों बार बार आते रहते हैं एग्जाम में, तो आप इनको नोट करेंगे। मूल रूप से दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित था। जो ये सम्मेलन था ये किस पर था, दीर्घकाल यानी लंबे समय, जो लंबा विकास है उस पर केंद्रित था। छोटे विकास पर नहीं, लंबे समय की विकास की जो योजनाएं हैं उस पर ये मूल रूप से केंद्रित था। तत्कालीन राजा जॉर्ज बुश ने इसका बहिष्कार किया था। यानी जो राजा थे जॉर्ज बुश, उन्होंने बहिष्कार इसमें शामिल नहीं हुए थे। चीन व रूस ने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल को सहमति दे दी थी। यानी 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल था
उस पर चीन और रूस ने भी जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन में अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। बच्चों जो समझ में ना आए तो आपको मैं फिर कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फिर 2007 बाली में इंडोनेशिया में तीसरा सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन। इसे COP3 के नाम से भी जाना जाता है। ये आ जाता है COP3 किसे कहते हैं, तो इस आप इसको आंसर दे सकते हैं। और इसमें क्या हुआ था कि 2009 तक अगले सम्मेलन से पूर्व कुछ ठोस रोड मैप निर्धारित किए गए कि 2009 में जो अगला सम्मेलन होना था उसकी योजनाएं उसमें क्या क्या किया जाएगा इसकी रोड मैप इसमें निर्धारित किया गया था COP3 में। फिर 2009 कोपेनहेगन सम्मेलन, 2012 में समाप्त हो रही क्योटो संधि, यानी जो क्योटो संधि थी वो 2012 में समाप्त होनी थी, उसको आगे लागू करने के लिए मानदंड का निर्धारण इस सम्मेलन में किया गया कि आगे क्योटो संधि को कैसे लागू किया जाएगा, इसका निर्धारण कोपेनहेगन सम्मेलन में किया गया और ये 2009 में हुआ था बच्चों। 2010 कानकुन सम्मेलन, इसे COP16 भी कहते हैं। बच्चों जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये बड़े महत्वपूर्ण छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक सुने और पढ़ें। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती की बात कही गई, यानी इसमें जो ग्रीन हाउस जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसी गैसें जो हमारे ओजोन परत को और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है उनकी उनके उत्सर्जन यानी निकासी में कटौती की बात इस सम्मेलन में की गई। 2012 में Rio+20 रियो जेनरियो ब्राजील में ये सम्मेलन हुआ था, और क्योंकि ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद हो रहा था तो इसको Rio+20 रियो जेनरियो भी कहा गया। रियो ब्राजील की राजधानी है बच्चों। इसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद रियो में सम्मेलन हुआ, नई उभरती चुनौतियों का समाधान करना इसका उद्देश्य था, यानी जो हमारे सामने नई नई चुनौतियां पर्यावरण को के लिए आ रही है उन पर उनका समाधान करना इसका उद्देश्य था। 2013 में वारसा COP19, इसमें सभी सदस्य देश संबंधित 2015 के पहले तिमाही तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे। इसमें निर्धारित किया गया कि जो सभी देश हैं वो 2015 की पहली तिमाही तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे, वह एक हरित जलवायु कोष के निर्माण की बात भी इस सम्मेलन में की गई। बच्चों फिर सम्मेलन होता है पेरिस समझौता 2015, यानी हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो पेरिस समझौता इसको बोलते हैं COP19, यह 2020 से लागू होगा। 2020 बच्चों अभी चल रहा है, इसका मतलब यह लागू हो चुका है। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी, यानी जो वैश्विक तापमान है इसमें बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेंटीग्रेड के भीतर ही सीमित रखा जाएगा, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड के भीतर ही सीमित रखा जाएगा, लेकिन अमेरिका ने स्वयं को इस समझौते से अलग रखा। अमेरिका देश ने इस समझौते को माना नहीं, यानी इसको स्वीकार नहीं किया, इससे अपने को अलग रखा। बच्चों बात करते हैं हम COP20 माराकेश, ये 2015 में हुआ था बच्चों, और विकासशील देशों द्वारा निर्धारित अभिराष्ट्रीय निर्धारित अंशदान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि COP20 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, यानी जो विकासशील देशों द्वारा निर्धारित अभिशिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका मुख्य विषय था। अब बात कर रहे हैं हम बच्चों 2017 COP23 बॉन, चरणबद्ध तरीके से कोयले के उपयोग को सीमित करने पर सहमति, यानी जो कोला है क्योंकि कोला एक प्राकृतिक संसाधन है तो इसको सीमित इसका उपयोग ज़्यादा ना किया जाए इसके इस पर बात की गई।
और स्थानीय लोगों की राय को भी अहमियत देने की बात इस पे की गई। स्थानीय लोग होते हैं जो जहाँ के लिए नीति बने वहाँ पर रहने वाले लोग, यानी अगर हम कोले की बात कर रहे हैं तो कोला जहाँ पर पैदा होता है वहाँ पर रहने वाले लोगों की राय को भी इस परिस में अहमियत दी गई। यानी जो लोग एक योजना बनाते हैं और एक वो योजना जिन लोगों पर क्रियान्वित होती है उन लोगों की राय भी महत्वपूर्ण मानी जाएगी, महत्वपूर्ण होगी। इस COP21 में इस पर बात की गई। तीसरा इसमें बात की गई कृषि के माध्यम से होने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन के मुद्दे पर भी विचार विमर्श का निर्णय लिया गया, क्योंकि अभी तक मानते थे कि केवल उद्योग धंधे या अन्य कारण अन्य जो हैं उन्हीं के कारण ग्रीन हाउस उत्सर्जित होती है, यानी हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती है, लेकिन कृषि का जो अपशिष्ट होता है यानी जैसे हम पराली वगैरह जलाते हैं उसके माध्यम से भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, इस पर भी इस सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया। COP24 पोलैंड, यह 2018 में आयोजित की गई। तो बच्चों आज मैंने आपको पर्यावरण एवं प्राकृतिक संपदा का चैप्टर पढ़ाया है। ये बच्चों अभी पूरा चैप्टर नहीं हुआ है, बड़ा चैप्टर है, तो आपको जितना मैंने बताया है अभी मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगी, आप इसको पढ़ेंगे और इससे संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला जो चैप्टर का भाग है मैं अगली वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं बच्चों आपको कहूंगी कि आपको मालूम है कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है, इसलिए आप घरों में रहें, बार बार हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंस यानी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से दूरी कम से कम 2 मीटर या 2 गज अवश्य रखें, और घर से बाहर अगर आपको जाना पड़े तो आप मास्क का उपयोग करें। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय बच्चों।